हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अपनी पत्नी से लड़ रहे मुकदमे में पति को बिना कोर्ट जाए भी सुनवाई हो सकती है, बिना कोर्ट जाए भी वो मुकदमे की पैरवी कर सकता है। अर्थात कहने का ये मतलब, आप कहीं बिजनेस में व्यस्त हैं, नौकरी में हैं, कहीं दूर आप कमाने के उद्देश्य से गए हैं, कोई भी प्रकार का रोजगार आप कर रहे हैं, तो उसमें बाधा होती है कि रोज रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की वजह से। तो इसके लिए आपको आज मैं खुशखबरी देने वाला हूं कि क्या वर्चुअल सुनवाई या फिर फिजिकल सुनवाई जरूरी है या फिर काम जरूरी है, दुनिया भर की नौटंकी जरूरी नहीं है। इसी के निर्णय के लिए बताऊंगा कि इसमें, इस मामले में क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है और क्या डायरेक्शन इशू किया है कि भाई काम होना चाहिए या फिर वर्चुअल सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है, जो कि संचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत माना गया है। और आज के इस दौड़ भाग या बिजी लाइफ में कितना जरूरी है, इस आदेश में कहा गया कि जब या तो फिर गवाही की जरूरत होगी, चीफ एग्जामिनेशन की जरूरत होगी, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत होगी, तभी, अर्थात ये कह लीजिए जब कोर्ट में आपकी आवश्यकता होगी तभी आपको बुलाया जाएगा, तभी आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको हर तारीख पे पहुंचना जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। ये क्या था केस, इसमें आप सबसे पहले तो इस केस के बारे में समझिए, ताकि आप जो इतनी लंबी दूरी तय करके कहीं बाहर रहते हुए आपको हर महीने हेडक रहती है, टेंशन रहती है कि 2-3 तारीख है, हर महीने में 3-4 बार जाना जरूरी है कोर्ट में, इसलिए इस निर्णय को आपको भी जानना चाहिए। जो भी मुकदमा देख रहा है उसे जानना चाहिए कि भाई इतना मैं मुकदमे में हैरान परेशान हूँ, इसलिए इस केस को आपको देखना चाहिए, इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस केस का टाइटल क्या है। न्याय विदो और ANR के अखिल भारतीय संघ बनाम उत्तराखंड NORS उच्च न्यायालय, ये वाद संख्या 27, कोर्ट नंबर 3, और इसमें जो मुकदमा है 941 सन 2021 के मामले में। इसमें ऑनरेबल जस्टिस DY चंचूण, ऑनरेबल जस्टिस सरिमन, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा क्या, इसमें आपको बताते चलें, बिना कोर्ट गए कोर्ट की सुनवाई में आप शामिल हो सकते हैं। साफ साफ कहा गया यह आपका मौलिक अधिकार है। कहने का ये मतलब कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि आप बिना कोर्ट गए भी कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं और यह ऐसा करने के लिए यह आपका मौलिक अधिकार है। वैसे भी आपको पता है कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है 19(1)(a), 19(1)(g), भारतीय संविधान के तहत जो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अर्थात किसी को भी अपना पक्ष न रखने देने के लिए न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। कहने का ये मतलब सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए। इसीलिए अब अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसे व्यापार का भी तो अधिकार है। अगर कोई व्यापार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, कहीं कमाएगा धमाएगा नहीं, अर्थात अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं भी बाहर है, तो वो भी उसका अधिकार है। वो सब करते हुए कोर्ट में शामिल होना है। सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया गया इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जब दूर से हियरिंग हो सकती है, अर्थात संचार और प्रौद्योगिकी का सिस्टम लागू होना चाहिए, फिजिकल और वर्चुअल हियरिंग कुछ भी हो, बस काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चाहे वर्चुअल हियरिंग हो,
चाहे फिजिकल हियरिंग हो, लेकिन नौटंकी नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। इसमें एक केस का हवाला दिया गया अनुराधा वसीम वर्सेस स्टेट, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस स्टेट। कहने का ये मतलब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है, अर्थात जो ये सिस्टम है इनका लागू होना चाहिए, इन पे काम होना चाहिए। बस ये है कि किसी को भी व्यवधान न उत्पन्न हो, बस इसलिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।